आई इंडिया द्वारा चलाई जा रही श्रृंखला प्रधान जी कहिं के अंतर्गत आज हम ग्राम पंचायत इटौरी में जानेंगे यहां के विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति। अभी नहीं मिला है, हाई वो लिखा है। बिजली है? हाँ है। आती के घंटे है? शाम सरकार आने का कभू कभू आ जाए, कभू कभू चली जाते हैं। अब यू आता भैया, हम अनपढ़ आदमी। अच्छा, रास्ता और खड़ंजा वगैरह गांव में लगा है? साफ रास्ते बने हैं? हाँ बने हैं। एक गांव में हाँ है, है। और क्या होना चाहिए आपके गांव में जिससे और अच्छा हो जाए आपका? अरे विकास बन जाए तो तुम्हारे सबकी सबसे बढ़िया उन्नति है। विकास बन जाए तो तुम्हारे सबकी सबसे बढ़िया उन्नति है। ग्राम पंचायत इटौरी में कॉलोनी आवास की क्या स्थिति है? पहले के बनी है और कितना भी ना बनी है, पहले के लिए दीवारें खाली होती है। आपके यहाँ सड़कें रास्ते इनकी क्या स्थिति है? सड़क रास्ता वह तो चहला पानी भरा है और बाकी खड़ंजा लाग है, छुआरा रहता है। बिजली आती है आपके गाँव में? हाँ बिजली आवत है। आपके घर में है बिजली? नहीं। कनेक्शन गैस सिलेंडर है आपके? कुछ नहीं। क्या आपको समस्या है गाँव में? समस्या का बत्ती गांव में यहाँ आवत है, हम ना लिया भाई अब का। ये सर ऐसा है, हमारे यहाँ से जो आवास ये हैं, मतलब ये बन चुके हैं, ये लाइटिंग वगैरह बन चुके हैं। सड़कें क्या स्थिति है आपके यहाँ? सड़कों की स्थिति जो यहाँ से हमारे इधर बना हुआ सब दिखाई पड़ता, अच्छा लगता है। और है अच्छा, बिजली गाँव में है? हाँ जी है। ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपको मिला है? हाँ मिला है। क्या आप अभी विकास कार्य कौन से बाकी हैं आपके गांव में और क्या काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है? सर अभी आवास जो है, आवास अभी कम बने हैं, अगला बन जाएं, बनने की आशाएं करी जाती हैं, बन जाएंगे तो मिलेगी। अच्छा, अगर आपको प्रधान जी को एक नंबर से 10 नंबर तक उनको देना पड़े तो आप कई नंबर दोगे उनको? उनको हम 10 नंबर देंगे। बिजली आवत है? हाँ बिजली आवत है। कई घंटा मिलते है? कई घंटा? अरे बिजली तो 4-5 घंटा मिलते। आवास वगैरह का स्थिति है? कॉलोनी? कॉलोनी इधर तब बनवाई नहीं थी, कोई बनवा रहा है, जब ये भाई है तब बनी। आपको मिला है? मिला। आवास वगैरह मिला। अभी क्या कमी है आपकी ग्राम पंचायत में और कौन से काम होने चाहिए जो नहीं हुए? और हम काज नहीं प्रधान जान सकते। आपके हिसाब से गांव में भी कुछ बाकी है जो काम हो तो अच्छा हो जाए? अरे हो तो हम कैसा कुछ आवास ही बन जाए सबकी, हम कहे तो हमारे न बने जी की ऐसे बने वाली हो उनकी बन जाए आए हमारे बाद बने। ग्राम पंचायत में अभी तक क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या कमियां हैं आप बताएंगे? सड़कों में बहुत दिक्कत है, रोडन के सब चहला एकदम, सब निकलना मुश्किल है। अगर आपके गांव में ग्राम प्रधान को अपने तरीके से अगर 1 से 10 तक नंबर देना हो तो आप कई नंबर दोगे उनको? बस आधे 5। बिजली आपके यहाँ आती है? विद्युतीकरण हुआ है, घरों में लाइट है? हाँ सब पूरे गांव में। आती के घंटे है बिजली आपके गांव में? मेल तो बहुत कम होती है। क्या दिक्कतें आती है? क्यों बताओ, फेस कट गया कहूँ, लाइन खराब है कहूँ, कुछ खराब है, आधे में आते 10 घंटा 24 घंटा मिलती नहीं मिली हम बात खुला है, बस आप बताए। शौचालय? शौचालय सब कम, जो चीज मिला वो उपलब्ध है। बिजली आपके गांव आती है? हाँ बिजली आ रही है। रास्ते कहीं कहीं ठीक है लेकिन गांव का रास्ता नहीं सही है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली का स्थिति अच्छी है। आवास वगैरह आपके गांव में? आवास वगैरह जो आए थे वो बने हुए हैं और जो है बाकी वो आएंगे तब बनेंगे। ग्राम पंचायत इटौरी में हम बात करेंगे प्रधान प्रतिनिधि इंद्रपाल से कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए हैं और अभी कौन से विकास कार्य आगे करवाने की सोच रहे हैं। हमने अपनी ग्राम पंचायत में 50 से अधिक आवास बनवाए हैं, 400 के आसपास शौचालय बनवाए हैं, नाली खरंजा बनवाया है, 500 मीटर सीसी रोड बनाई है, 150 मीटर सांसद निश्चय इंटरलॉकिंग का काम करवाया है प्रयास करके। और मेरे गांव की एक मूल समस्या है, हमारा गांव औरा इटौरी जो है एक दूसरे से संपर्क मार्ग से कनेक्ट नहीं है, जिस पे
नरेगा योजना के अंतर्गत कच्चा काम करवाया जा रहा है, पक्का करवाना है। बरसात के दिनों में गांव के मध्य जो है वो रास्ता खराब होने के कारण गांव वालों को तकलीफ होती है। हमारा प्रयास है बहुत ही जल्दी इस समस्या से गांव को निजात कराऊंगा। और जो लोग आवास विहीन रह गए हैं, जिनके नाम 2011 सूची में नहीं थे, उनको आवास प्लस सूची में डलवा के और उनके आवास भी बनवाने का बहुत जल्द प्रयास कर रहा हूँ। सरकार से जितनी जल्दी सैंक्शन हो जाएगा सभी को आवास से आच्छादित कराने का काम करूँगा। आई इंडिया ने ग्राम पंचायत इटौरी के विकास कार्यों की पड़ताल की। गांव में आवास शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन अभी आबादी के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। गांव में कई कच्चे मकान हैं जो आवास से वंचित हैं। साथ ही ग्राम पंचायत इटौरी के मजरा अमूरा से ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़क कीचड़ से भरी हुई है, उसको अभी नहीं बनवाया गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ग्राम प्रधान द्वारा भी गांव में कराए गए विकास कार्यों में शौचालय, आवास व विद्युतीकरण के विषय में बताया गया कि वह कई ऐसे कार्य जो उन्होंने अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं, आगे मौका मिलने पर पूर्ण करेंगे। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन नवनीत कुमार के साथ अम्बरीश मिश्रा रेवसा से। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।